अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नमस्ते वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड थैंक यू जिसने जो जो भी लोग मेरा पिछला वीडियो देखे गोवा ट्रिप का कैसा दिखा था, आई होप तुम लोग एंजॉय करे। एंड जो भी नहीं देखे वो यहाँ पर लिंक बटन है, जाकर वो वीडियो देखो। एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे शहर में लगा है मेला और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो एग्जीबिशन आज एक्सप्लोर करेंगे, एग्जीबिशन के अंदर क्या है, नई नई चीज़ें देखेंगे। क्या रहता, सो वही कॉमन चीज़ें ही रहते, कुछ नया तो नहीं रहता। बट उसके अंदर क्या, हम दोस्तों के साथ जा रहे ना, तो वो कुछ कॉमेडी वीमेडी मज़ा बहुत होने वाला है, तुम देखते रहो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अंदर एग्जीबिशन के, तो देखो तुम लोग, अच्छा नज़ारा अच्छा है गाइस। क्यों बोले तो पूरा ये जो है पूरा सिटी थीम पे बना हुआ है, मतलब ये मलेशिया कौन सा सिटी हमारा को भी नहीं समझ में आ रहा। क्यों बोले तो यहाँ पर क्या लंदन ब्रिज भी है, पूरे है, नहीं बोले सर की बिल्डिंग नहीं है, स्टूडियो यूनिवर्सल स्टूडियो भी, उसका भी थीम यहाँ पर है। तो देखो गाइस मज़ा आता तुम लोगों को। तो गाइस यहाँ पर क्या एक अच्छा, मतलब मार्केट के जैसा अच्छा दुकाना बहुत ज़्यादा लगे यहाँ पर हर चीज़ के। तुम लोग देखो सिनेमैटिक्स में तुम लोगों को दिख जाता कितने सारे दुकाना लगेगी। बहुत तो गाइस जेंटविल के लिए हम लोग चार टिकट ले लिए, और मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ और मेरे दोस्त भी जेंटविल में फर्स्ट टाइम बैठ रहे, क्योंकि रोलर कास्ट में मैं बैठा बट कभी जेंटविल में नहीं बैठे, तो ये पहली बार है जेंटविल में बैठना। एंड मेरा दोस्त का तो एग्जीबिशन को आना ही पहली बार है लाइफ में, ये बंदा देखो लाइफ में पहली बार एग्जीबिशन आ रहा। तो लास्ट में इसका रिव्यू पूछेंगे कैसा दिखा था इसके एग्जीबिशन में, तो देखते हैं एंड जेंटविल के मज़े लेते हैं डूड। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो गाइस देख लेना जायंट विल के अंदर मेरा दोस्त का एक्सप्रेशन कैसा था। ताली कैसा था वहाँ फरीद, बोल अच्छा था, दिखे ना कितना अच्छा लगा कि पूरे लग गए, अच्छा था। एक टिकट 50 रुपए, 3 बाल मारो गिराओ, 3 बाल के अंदर पूरे ग्लासा गिर जाना, इनाम लेके जाना। सही सीधा थ्रो मारते हुए यहाँ पर एक बार विकेट टू विकेट ओ
मैच तो गाइस देखो हम लोग वाजिद क्या है बैट जीता है खरीबा वाइस नहीं आती खरीबा तो वाजिद क्या है बैट क्या है बॉल से वो ग्लासा गिरा देंगे क्या है बैट जिताया और ये बैट लेने की रीजन क्या बोलते हो हमारे गांव के थोड़ा हमारे बुड्ढे है जो कि क्रिकेट खेलते बॉल दूर गए तो पीछे क्या है लॉन्ग कीपिंग करते उनके लिए ये तोहफा हमारे वाजिद भाई की तरफ से। एंड गाइस तुम लोग देखे होंगा वो जो रिंग 50 रुपये से 10 रिंग आए थे दाले सो क्या बेहतरीन गिरा वो रिंग। एंड और एक बार थ्रो मारते वक्त हमारे अनवर भाई फरीद भाई लिए बाल मारे तो एटलीस्ट ग्लास को टच तो होना टेबल को लगा टेबल को लगता भाई बाल टेबल को लग के क्या है हम जिस खुशी के साथ सेमीफाइनल के अंदर गए थे और उसी मासूमियत के साथ क्या है फाइनल हार जाएगा इनला के दोनों की वजह से फिर भी क्या है चलता जो भी है मजा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे एक चढ़े तो 80 रुपए भाई 80 रुपए बोल तो सोचो एक दिन में कितने लोग चल रहे हाँ ऑलराइट तो गाइस देखे होंगे तुम लोग कैसा कैसा हम लोग एग्जीबिशन के अंदर मजे करे कितने मतलब दो तीन स्पोर्ट खेले हम लोग लेकिन बहुत मजा आया वो थ्रो बॉल एंड वो रिंग जो डालने का उसके अंदर हम लोग जीत भी लिए थे सो बहुत मजा आया डूड घूमने के लिए अच्छा है समझो वीकेंड यहाँ पे क्यों बोले तो जब जब ऐसे मेलों में भी आना डूड पार्का वार्का स्नाओं के क्या है एग्जीबिशनों के अंदर भी आए तो क्या मजे आते और जैंट विल का तो बहुत आखिरी था सीन तुम लोग मेरे दोस्त के एक्सप्रेशन देखे होंगा तो अब यहाँ से चलते हैं इधर खाने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं खाया बहुत भूख लग रही डूड वहाँ पर मिलता तुम लोग ओके तो गाइस हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया अभी मैं वो शॉक से आपको नहीं बताया खाते स्वाते सुना मुझे पसंद नहीं सो क्या है अब सीधा चलते हैं हमारे घर मिलते हैं डूड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द तो कमेंट करके बोलो डूड वीडियो कैसा लगा था एंड लाइक करो सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल टू दैट टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय।